सोलन के 12 वर्षीय ओजस ने गैलेक्सी पर किताब लिखकर सभी को हैरान कर दिया है। इस किताब में गैलेक्सी पर आधारित कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं, जो कि इंटरनेट में भी उपलब्ध नहीं है। ये किताब ओजस ने एक माह की कठोर मेहनत पर लिखी है। यही नहीं, किताब लिखने के साथ साथ ओजस ने 8वीं कक्षा में भी टॉप किया है, जिसकी वजह से आज ओजस के माता पिता गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वहीं अध्यापकों में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। इसमें ओजस ने ब्रह्मांड के बारे में अपने सिद्धांत भी शामिल किए हैं, जिसे देखकर कई वैज्ञानिक भी ओजस की सोच पर हैरान हैं। यही कारण है कि ओजस की किताब के बिकने से पहले ही इंटरनेट पर प्री बुकिंग आरंभ हो गई है। अधिक जानकारी देते हुए ओजस ने कहा कि वे एक माह से किताब लिख रहे थे, लेकिन उनके सहपाठियों और यहाँ तक कि उनके परिवार को भी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन बाद में ओजस की माता ने उसकी प्रतिभा पर भरोसा किया और इस किताब को पब्लिश किया, और आज सभी इसकी किताब को देखकर हैरान हैं और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ओजस ने बताया कि आज कई कंपनियां फ्लेक्सिबल मोबाइल को पेटेंट कर चुकी हैं, लेकिन वे अब ऐसे फ्लेक्सिबल मोबाइल को पेटेंट करवाने जा रहे हैं जिसमें कई तरह की विशेषताएं होंगी, जिसका अभी तक पेटेंट नहीं हुआ है। इस बुक का नाम है क्लियरिंग द कॉस्मिक मैसेज बाय ओजस शर्मा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स है यूनिवर्स के बारे में, उन सबके बारे में पता लगेगा, और उसी के साथ साथ आपको हमारे जो अपना वेदांता टाइम मेजरमेंट है उसके बारे में भी आपको पता लगेगा। और मैंने अपने से भी ट्राई किया है कि इसमें कुछ नई थ्योरीज ऐड करूं, तो वो भी मैंने इसमें ऐड करने की कोशिश की है, तो उस पर आप लोग रिसर्च भी कर सकते हैं। तो ये जो नई थ्योरीज है ये बेस्ड है जो दो प्राइम एनर्जीज है यूनिवर्स की, उसके ऊपर बेस्ड है, और यूनिवर्स की वर्किंग के ऊपर बेस्ड है कि जो बैलेंस मेंटेन होता है दो एनर्जीज ग्रेविटी और डार्क एनर्जी के बीच में, उसके बेस पर यूनिवर्स चलता है। तो मैंने एक मैथमेटिकल एग्जांपल के साथ उसे प्रूव किया है। मैं इंटरनेट से बिल्कुल भी कॉपी पेस्ट नहीं किया है, वो सिर्फ एक हमारे एडिटर्स ने अगर एडिटिंग और रिव्यूइंग के लिए अगर किया होगा यूज तो ठीक है, नहीं तो ऐसे इंटरनेट से कुछ कॉपी पेस्ट नहीं। और इसे आप WFP स्टोर और इस हफ्ते के एंड तक ये अमेजोन पर भी अवेलेबल हो जाएगी। अब पब्लिश करवाने में तो काफी हर्डल्स आए, पहले एडिटिंग का था, फिर प्लैगरिज्म, कॉपीराइट क्लेम्स वो भी था, फिर मम्मी पापा को मनाने में काफी टाइम लग गया, तो वो मेन प्रॉब्लम थी पब्लिश। ओजस की माता सरिता शर्मा, पिता रामानंद शर्मा ने कहा कि आज वे अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रहे हैं, क्योंकि आज के छात्र किताब लिखना तो दूर स्कूल की किताबें तक नहीं पढ़ते हैं, और ज्यादातर छात्र मोबाइल से घिरे रहते हैं। ऐसे दौर में उनके बेटे ने ऐसे विषय पर किताब लिखी है जो काफी मुश्किल है। उन्होंने कहा कि वे पहले तो अपने बेटे के इस हुनर पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब से बेटे ने जोर देकर कहा तो दिखाने पब्लिशर के पास गए तो उन्होंने इसे तुरंत हाँ कर दिया, तब उन्हें भी अपने बेटे के हुनर पर विश्वास हुआ। उन्होंने कहा कि आज उन्हें ओजस के नाम से जाना जाता है और ओजस को विभिन्न संस्थाएं आज सम्मानित कर रही हैं। ओज ने अपनी कक्षा में भी टॉप किया है, जिसकी वजह से हर किसी का सर फक्र से ऊंचा हुआ है। देखिए, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बेटे ने बुक लिखी है, और मुझे एक गर्व सा महसूस हो रहा है, क्योंकि शुरू में जो ये बताता था तो मैं इसकी विश्वास नहीं करता था इस पर। फिर मैंने पब्लिशर के पास जाके इसका मटेरियल देखा, मैंने नहीं पढ़ा कभी, देखा तो कुछ मुझे लगा कि भाई है, टैलेंट है हमारे बच्चे में। पर आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि इस बच्चे की वजह से मुझे पहचान मिली है, आज अवार्ड भी मिल रहा है, आज बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। हमारे को किसने जानना था, इसलिए आज हमारे को इस बच्चे की वजह से एक नाम मिला हुआ है। 8th में भी इसने टॉप किया है, बहुत मुझे इतना नहीं था, ये फर्स्ट क्लास से ही 8th तक आज तक प्रथम ही रहा। आज की डेट में पेरेंट्स को विश्वास करना चाहिए बच्चों पर, अपने बच्चों पर, थोड़ा भी कुछ हो तो उनको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए प्यार से। और ये मोबाइल वगैरह है तो सही, अब इसके बिना तो रहेंगे नहीं बच्चे, पर थोड़ा सा उनको टाइमिंग दे दीजिए, कितने से इतने टाइमिंग आप ये कीजिए। फिर आज की डेट में तो ऐसा है, पेरेंट्स जितना बच्चों को समझ सके उतना अच्छा है, बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, पेरेंट्स से ज्यादा इंटेलिजेंट है।
एच टुडे के लिए सोलन से कीर्ति की रिपोर्ट।